उसे साइंस में कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज इंक्रीज्ड। डिग्री ऑफ फ्रीडम वो नीचे ही आए, ये फिक्स नहीं है उसकी रिस्पॉन्स, इट मे गो इन टू एनी डायरेक्शन, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटीज बढ़ गई। ठीक इसी तरह से अगर हम थॉट एंड इमोशंस पर देखें तो हमारी जो रिस्पॉन्सेज हैं अगर वो फिक्स्ड हैं देन वी कैन नॉट डील विद द इमोशंस। जैसे कोई मुझसे कहे कि आप अच्छा बोलते हैं और बहुत बहुत सटल तरीके से प्रेज करें, मतलब आपको ऐसा लगे भी नहीं कि आपकी कोई जानबूझ कर तारीफ कर रहा है, लेकिन आजकल लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत इतने अच्छे तरीके से आपकी तारीफ कर जाएंगे कि आप उसको रियलिटी ही मान लेंगे, तो कि आप और बहुत अच्छा है ये वो, तो व्हाट विल बी माय रिएक्शन और माय रिएक्शन ऑफ माय माइंड, मुझे अच्छा लगेगा, दैट इज माय रिएक्शन एंड इट इज फिक्स्ड। अगर कोई आकर बोले कि आपने जो बात कही वो तो बहुत गलत थी, तो बहुत ही इमेच्योर बात थी आपकी, आपसे तो वी वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट, हो सकता है वो बिल्कुल सही कह रहा हो लेकिन मेरी रिएक्शन एकदम बुरा फील करने की होगी। अगर सामने वाला व्यक्ति मेरा सबॉर्डिनेट है तो मेरी रिएक्शन एंगर होगी, और मेरा अगर सुपीरियर है तो दो रिएक्शन होंगी, या तो एंगर आएगी मैं उसे सप्रेस कर लूंगा, और अगर या फिर वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है तो मेरे अंदर फियर आ जाएगा कि इससे कहीं मेरा कैरियर और ये सब तो अफेक्ट नहीं होने वाला। दीज रिएक्शंस आर फिक्स्ड, इसका मतलब अभी हमारा माइंड ग्रेविटेशनल, जैसे ये मैटर ग्रेविटेशनल फील्ड में ही काम कर रहा है, उसी तरह से हमारे माइंड की रिएक्शंस हैं। मतलब ये हुआ कि हमारा रिमोट दूसरे के पास है और दूसरे का रिमोट हमारे पास है, हम सब दूसरों के रिमोट लेकर घूम रहे हैं, अपना रिमोट किसी के पास नहीं, ठीक है ना। अब इमोशनल बैलेंस कैसे होगा, ये तो बहुत स्लोली आया हुआ थॉट है, और इस थॉट ने एक इमोशन आपके अंदर जगाया जिसने बहुत इमीडिएटली एक रिस्पॉन्स दे दी। एक वर्ड आता है संस्कृत में, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। क्या हम अपने माइंड को ऐसा ट्रेंड कर सकते हैं कि वो कम से कम तीन प्रोबेबिलिटीज उसके, इतनी फ्रीडम उसकी हो, इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी बढ़ जाए कि अगर उसे रिस्पॉन्ड करना है तो करे। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं आपको गुस्सा लाना है तो आप ला सकें, दैट फ्रीडम इज ऑल्सो, इट शुड ऑल्सो बी देयर। इसे कहते कर तुम, आपने जो करना है आपने किया। अकर तुम, कैन यू होल्ड दैट एट दैट मोमेंट, क्या आप रोक सकते हो अपनी इस रिस्पॉन्स को, डू यू हैव दैट फ्रीडम, मेंटल फ्रीडम, कैन यू एक्सरसाइज दैट पावर ऑफ योर माइंड वेयर यू कैन होल्ड योर रिस्पॉन्स। थर्ड, अन्यथा कर तुम, आप उसको अभी होल्ड कर लें और कभी फिर इन ए मोर क्रिएटिव वे, इन ए मोर पॉजिटिव वे, इन ए मोर फ्रूटफुल वे, जैसे कि मान लीजिए आपके यंगर ब्रदर ने, आपके, मैं नहीं कह सकता कि आपके बच्चों ने, क्योंकि जब आप पेरेंट्स बनेंगे तब वो चीज बच्चों से आएंगी, क्योंकि हर जनरेशन पिछली जनरेशन से ज्यादा टैलेंटेड आ रही है, अपग्रेडेड आ रही है, वो आपके सारे जो थॉट प्रोसेस है ना उसको हिलाने की क्षमता रखती है। तो लेकिन मैच्योरिटी लेवल आपका ज्यादा होगा, उनमें भी आएगा बट इट टेक्स टाइम। तो अन्यथा कर्तुम वाला एस्पेक्ट कि आप दूसरे तरीके से बाद में किसी तरह से अपनी रिस्पांस पॉजिटिव और क्रिएटिव वे में दे दें इंस्टेड ऑफ उसी समय उसको स्कोल्ड करने की जगह, है ना। तो हाउ वी कैन अचीव दिस फ्रीडम, देन ओनली वी कैन बैलेंस द इमोशंस। एंड हाउ द इमोशंस वर्क, एक उसका पूरा प्रोसेस देखिए, वी वर्क थ्रू अवर माइंड, डू वी हैव एनी अदर एपरेटस, कुछ और है हमारे पास जिसके थ्रू हम काम करते हैं, सिर्फ माइंड है,
और इन्फॉर्मेशन हम जो भी गैदर करते हैं वो सेंसेस के थ्रू करते हैं, इज देयर एनी अदर मीडियम? तो हमें पहले अपने सिस्टम को समझना पड़ेगा. वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. ये है ऐसा तो उसको समझना पड़ेगा, टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ इट, टू कंट्रोल इट, कमांड इट. ऐसा नहीं हो कि सिस्टम आपको कमांड कर रहा है. तो प्रोसेस देखिए होता क्या है, उसमें मैं थोड़ा सा एक गीता से एक श्लोक लेके समझाता हूं. सी द साइकोलॉजी ऑफ द माइंड. जंग और फ्रॉइड से भी बारीक तरीके से गीता में श्री कृष्ण ने समझा दिया था. ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात भवति स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम भ्रंशादि बुद्धिनाशात, बुद्धिनाशात प्रणश्यति. मीन्स व्हाट इज सेइंग, हाउ डू वी वर्क. जब हम किसी चीज को लगातार सोचते रहते हैं, व्हेन वी कीप पॉन्डरिंग ओवर समथिंग, तो उससे हमारा अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है. ध्यान संग मीन्स अटैचमेंट. जब अटैचमेंट क्रिएट हो गया तो उस चीज को पाने की इच्छा हो जाती है. एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, या आप लोगों ने की जैसे, तो आपने उसके बारे में पहले अपने को खूब कन्विंस किया, यानी कि सोचा कि मुझे ये लाइफ, ये कैरियर चाहिए. देन डीप अटैचमेंट डेवलप. फिर अटैचमेंट हो गया तो नाउ यू वांट टू अचीव दैट. यही होता है प्रोसेस. अगर आपने अचीव कर लिया देन स्टोरी एंड्स, ठीक है. बट सपोज इन द पाथ देयर कम्स एन ऑब्स्टेकल, तब माइंड की रिएक्शन क्या होगी? संघात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते. जैसे ऑब्स्टेकल आएगा तो आपकी दो रिएक्शन होंगी, या तो आपको क्रोध आएगा या आपको फियर आएगा. एंगर एंड फियर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. मैंने भी शुरू में समझाया, अगर सुपीरियर से आएगा तो फियर हो जाएगा, सेम इमोशन, और जूनियर से आएगा तो वो एंगर की तरह, यानी ये कमजोर से आएगा देन यू मे बिकम एंग्री. द ऑब्स्टेकल इज फ्रॉम द वीकर एंड इज फ्रॉम द वेरी स्ट्रांग देन द फियर. क्रोधात भवति सम्मोह. अब क्या होता है, फियर इज एन इमोशन. अब माइंड में कैसे घट रहा है देखिए, जब आप क्रोध में आ गए तो इट्स एन इम्पल्स. अब वो थॉट आपका एक मिनट में 100 times रिपीट हो रहा है अंदर, तो इट हैज डिस्ट्रैक्टेड योर होल माइंड, इट हैज टेकन ओवर द माइंड. क्रोधात भवति सम्मोह, उसमें स्थिति हमारी ऐसी हो जाती है एज इफ आई हैव बीन हिप्नोटाइज्ड बाय सम फोर्स. आपने देखा होगा कि क्रोध की स्थिति में यह भी ध्यान नहीं रहता कि हम अपने फादर से बात कर रहे हैं या अपने बहुत खास दोस्त से बात कर रहे हैं. उस समय हम क्रोध में कुछ भी कर देते हैं. एट दैट मोमेंट क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात भवति स्मृति विभ्रम. मीन्स कि जो हमारे अंदर जो मेमोरी बेस है, डेटा बेस, आप जो भी काम करते हो लाइफ में उसका रेफरेंस पॉइंट आपका मेमोरी डेटाबेस ही होता है ना, आपके एक्सपीरियंसेस ही होते हैं. आप कहां से लेते हो? आपने जैसे मुझे देखा, अब आपके लाइफ के जो भी जितने भी एक्सपीरियंस स्टोर्ड हैं उनके बेसिस पर सेकंड्स में आपने एनालाइज किया होगा अपने बेसिस पर. हर व्यक्ति का एनालिसिस अलग होगा, देखकर, फीचर्स देख के, चलना देखकर, एक और इस तरह का आपके अंदर कोई बैड इंप्रेशन होगा, नहीं, आप अंदर से क्लोज हो जाओगे देखते ही. लेकिन जब आपका वो डेटाबेस ही कट गया, जब आप फियरफुल हो या एंगर में हो तो आपका डेटाबेस से आप डिस्कनेक्ट हो गए. स्मृति विभ्रम एंड स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशात. ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटाबेस विच इज कॉल्ड द मेमोरी विच कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस वी एनालाइज द थिंग्स. यानी कि हम बुद्धि जैसे कहते हैं, इंटेलेक्ट जैसे कहते हैं, इंटेलेक्ट ऑपरेट्स थ्रू द इनपुट्स विच इट गैदर्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस और मेमोरी डेटाबेस. अब वो लिंक खत्म हो जाती है तो एंगर में, फियर में आपकी वो लिंक कट गई तो देन व्हाट हैपेंस, बुद्धि काम नहीं करेगी. तो आपने देखा होगा कि लोग क्रोध में कुछ भी कर देते हैं, फियर में सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंगर में दे डू एनीथिंग.
और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशात, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब बुद्धि ही आपकी काम नहीं कर पा रही है तो मींस यू आर लाइक अ डेड पर्सन। यू कुड अंडरस्टैंड द होल साइकोलॉजी ऑफ द माइंड, हाउ इट वर्क्स। इट्स नॉट रिलीजन, इट्स साइकोलॉजी। और ऐसे हम काम कर रहे हैं वेदर वी नो इट और नॉट। ये जो सिस्टम है ऐसे ही चलता है, माइंड जिसे कहते हैं। मैं यहां एक कंप्यूटर की एनालॉजी आपको देता हूं। ये जैसे मोबाइल को ले लीजिए, आप सबके पास मोबाइल है। मोबाइल में एक हार्डवेयर पार्ट होता है, यानी कि उसकी बॉडी, उसके अंदर के कंपोनेंट, सीपीयू, जो कुछ भी उसके अंदर है, मेमोरी, रैम, दैट इज द हार्डवेयर पार्ट ऑफ द मशीन। उस मशीन का एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड है या और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। देयर इज वन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। थर्ड वन इज द एनर्जी पार्ट। अगर वो चार्ज्ड नहीं है, एनर्जी नहीं है, इट विल नॉट वर्क। ये तीनों चीजें हैं तो आपका वो मशीन कंप्लीट है, राइट। लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए फोर्थ की जरूरत पड़ती है, यानी कि ऑपरेटर की, यानी कि यूजर की। क्लियर है पॉइंट? तो मशीन तो कंप्लीट हो गई, अगर उसमें हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, एनर्जी है, मशीन इज कंप्लीट। बट टू रन दैट मशीन यू नीड एन ऑपरेटर। आप उसको ऑन करेंगे, उस पर काम करेंगे, इट्स योर मशीन। नाउ इस एग्जांपल को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं ह्यूमन सिस्टम पर। वी डू हैव ए हार्डवेयर पार्ट बॉडी, इसके अंदर भी सब कुछ है। आपका ब्रेन में मेमोरी स्टोरेज की जगह है, रैम भी है, आप सर्च करते हो डेटा को, याद करने की कोशिश करते हो, आपके ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, मतलब इससे हार्डवेयर पार्ट। आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर पार्ट भी इंस्टॉल्ड है जिसे हम माइंड कहते हैं, जिससे आप सोचते हो, एनालाइज करते हो, इट इज देयर। थर्ड वन इज द प्राणा एनर्जी, वो भी जरूरी है। अगर हमको बिल्कुल एनर्जी ना मिले, सपोज हमको 7-8 दिन के लिए खाना नहीं दिया जाए, तो हमारा ना माइंड काम करेगा ना शरीर काम करेगा। और वो एनर्जी स्टोर होने की भी व्यवस्था है बॉडी में, इट एक्यूमुलेट्स इन द फॉर्म ऑफ द फैट, और बहुत सारा प्रोटीन और इस कार्बोहाइड्रेट के रूप में वो आपके सिस्टम में रहती है। दैट एनर्जी यू गेट फ्रॉम द फूड, फ्रॉम द एयर, फ्रॉम द लाइट, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ये तीनों चीज हो गई तो आपकी मशीन कंप्लीट हो गई। एग्जाम्पल मोबाइल, तीनों चीज है तो मशीन कंप्लीट है। यहां भी मशीन कंप्लीट है, इसमें सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, एनर्जी भी है, बट हु इज ऑपरेटिंग इट, दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन। हु इज ऑपरेटिंग इट? ये मशीन इतनी एडवांस्ड है कि क्या यह खुद सेल्फ ऑपरेटिंग मोड पर है? या आप में से कोई भी क्लेम कर सकता है यस आई एम ऑपरेटिंग दिस बॉडी? जैसे मोबाइल में या कंप्यूटर में आप इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते हैं, तो अगर उसमें कोई वायरस आ रहा है तो आपके सिस्टम में, एंटीवायरस सिस्टम है, वो उसको पकड़ लेगा। और इनकेस वो एंटीवायरस वीक है या उसको भी ब्रेक करके वायरस आ गया, तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, हैंग करने लगेगा, फाइल एब्रप्टली ओपन हो जाएंगी, कभी वो एब्रप्टली शट डाउन हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्फेक्टेड सिस्टम। अब ह्यूमन सिस्टम को देखते हैं, इसमें 5 पॉइंट से कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन आती है, जिन्हें हम 5 सेंसेस कहते हैं। 6th वन इज द मेमोरी बेस, वहां से भी पॉपअप होती रहती है इंफॉर्मेशन। जब खाली बैठे हैं तो आपके अंदर से ही आता रहता है। तो 6 सोर्सेज हैं जो लगातार आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एंड दीज इंफॉर्मेशन आर एंटरिंग इनटू योर सिस्टम अनचेक्ड, अनफिल्टर्ड। कितने वायरसेस अंदर जाते हैं, वायरसेस को हमारे यहां षड्रिपु के नाम से लिया, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, यानी कि एंगर, ग्रीड, डिजायर्स, इन्फेचुएशन, जेलसी। होता क्या है, इससे सिस्टम हैंग होने लगता है।
धीरे धीरे साइकोमेटिक डिसऑर्डर्स की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता नहीं होगा लेकिन करीब करीब 90% जो डिसीज हैं दे कम अंडर द साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक मीन्स साइको मीन्स माइंड, सोमा मीन्स बॉडी, जिसका ओरिजिन स्ट्रेस से है। क्योंकि ये सारे वायरस क्या करते हैं, स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और धीरे धीरे वो स्ट्रेस आपके किसी ऑर्गन को अफेक्ट कर देता है। और अगर कोई जेनेटिक टेंडेंसी मौजूद है तो सबसे पहले उसको कर देगा। अगर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं और मान लीजिए डायबिटीज का जेनेटिक रिकॉर्ड है आपके फैमिली में सबको है, तब भी आपको हो सकता है ना हो, या आपको बहुत लेटर स्टेज में हो, मतलब 60-70 की एज में जाकर वो अपीयर हो रही है, क्योंकि उस समय हो सकता है आप कॉप अप नहीं कर पा रहे हो स्ट्रेस से। लेकिन किसी को बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि वो एक वीक पॉइंट है सिस्टम में, और जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है तो नया बन जाएगा कुछ। वो स्ट्रेस जब एक्यूमुलेट होती रहती है देन इट बिकम्स द साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। खांसी जुकाम बुखार को छोड़ दीजिए और फ्रैक्चर्स को छोड़ दीजिए, उसके बाद यू टेक नेम ऑफ एनी डिसीज, इट कम्स अंडर साइकोसोमेटिक, वेदर इट इज अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिसीज और एनी। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये फिल्टर लगाना, एक एंटीवायरस लगाना सिस्टम में। और दिस इफ वी कैन रियलाइज एट दिस टाइम ऑफ एज, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप समझने के बाद उसको कर ही लेंगे, लेकिन मिनिमाइज कर पाएंगे, इफेक्ट को मिनिमम कर सकते हैं अगर आप बहुत अटेंटिव रहते हैं। इफ यू रियली वर्क ऑन योर मशीन, दिस इज योर मशीन, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, एक तो सुनकर, दिस इज वन वे, सीइंग, स्मेलिंग, टचिंग, ईटिंग, दीज आर फाइव सोर्सेस, एंड वन इज विच कम्स फ्रॉम विद इन, आपकी मेमोरीज, किसी का भी आप बैठे हैं आपको ख्याल आ रहा है और फिर अंदर ही अंदर कुछ एक स्टोरी क्रिएट होना चालू हो जाती है, फिर आप उसी में, तो दैट इज हाउ दिस सिस्टम गेट्स इन्फेक्टेड। तो बट ऑपरेटर कौन है ये ढूंढना है। अगर आप ऑपरेटर को एस्टेब्लिश कर लेंगे अपने भीतर, तब पॉसिबिलिटी है कि आप मशीन को कंट्रोल कमांड कर सके। उस ऑपरेटर को ही अपने यहां सोल या जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जो कि आप हैं रियल में। जैसे कि मोबाइल का ऑपरेटर अजय शर्मा है, अजय शर्मा का मोबाइल है, तो अजय शर्मा नोज कि दिस इज माय मोबाइल, और मोबाइल खो जाता है, टूट जाता है, तो अजय शर्मा को दुख होगा, लेकिन अजय शर्मा ये नहीं सोचेगा कि वो खो गया और वो टूट गया। लेकिन हम लोगों के साथ क्या होता है कि वी आर सो अटैच्ड, और रादर ये क्रिएशन जिस हुएवर हैज क्रिएटेड दिस होल क्रिएशन, उसने ऐसा बनाया है कि आपको पूरी जिंदगी निकल जाती है, यही एहसास नहीं होता है कि दिस माइंड इज नॉट मी, इट इज माइंड, आई एम नॉट द माइंड, दिस माइंड इज माइंड। इसी को माया कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ माया। आपको पता ही नहीं चलता है, जिंदगी जी के चले जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर इंस्टिंक्ट्स, एक्सपीरियंसेस, जो कुछ समाज ने, आपकी एजुकेशन ने, जो टीचिंग्स ने, जो भी आपकी प्रोग्रामिंग कर दी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोग्रामिंग दिस मशीन रन्स इटसेल्फ। और जो ऑपरेटर है, अच्छा ऑपरेटर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आज आपको समझ में आ गया, सपोज आई एम द ऑपरेटर और ये मेरा शरीर है, मेरा मन है, मुझे इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है और इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। करेंगे कैसे? आप कंप्यूटर आपका है, लेकिन कंप्यूटर चलाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा ना, आपको सी लैंग्वेज आना चाहिए, जावा आना चाहिए, जो भी ब्रांच में आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। तो पहले तो ये एस्टेब्लिश करना, यही बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा मेजर स्टेप है कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये मेरी मशीन है, ये मन, शरीर और एनर्जी सिस्टम, ये मेरी मशीन है, इसको मुझे बहुत बढ़िया ढंग से यूटिलाइज करना सीखना है। ये बहुत एडवांस मशीन आपको सौंप दी गई है, समझ लीजिए। और अगर आप नहीं करेंगे यूज, तो इस मशीन में फॉल्ट आएंगे ही। वो फॉल्ट
इमोशनल इम्बैलेंस की तरह से आए, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स की तरह से आए, किसी भी तरह से आए, दे विल कम, नो वन कैन स्टॉप. तो फर्स्ट पोजिशनिंग करना है अपनी एज ऑपरेटर ऑफ दिस सिस्टम. इसकी कमांड ले लो अपने हाथ में, डिसाइड कर दो कि ये मेरी मशीन है, मेरा सिस्टम है. फिर आपको बहुत डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगी, जो मैंने बताया आपको शुरू में ना कि अचीव क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम. जब आप अच्छा, अब इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, जैसे टॉपिक दिया कि टेक्निक्स, तो टेक्निक से पहले उसका पूरा बेसिक थ्योरी और पूरा समझना जरूरी था, इसलिए मैंने पूरा बताया. वंस यू आर श्योर कि हाँ मैं ये मशीन तो नहीं हूं, एटलीस्ट आई एम द ऑपरेटर ऑफ दिस. हाँ मैं कर नहीं पा रहा हूं ऑपरेट क्योंकि मेरी उस तरह की ट्रेनिंग नहीं हुई है. आज किसी बहुत कम पढ़े लिखे बच्चे को आप कंप्यूटर दे दो तो वो क्या कर लेगा, ज्यादा ज्यादा ऑन कर लेगा उसको, तो इतना हम कर लेते हैं. लेकिन उस पर वो चलिए थोड़ा सीख गया तो कॉपी पेस्ट कर लेगा, लेकिन धीरे धीरे उसको उस पर अगर वो अपनी कंटिन्यू प्रैक्टिस रखता है तो मास्टरी भी कर लेता है, बहुत एक्सपर्ट हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो हर दिन ये प्रैक्टिकल टिप, हर दिन सुबह और शाम आप अपने साथ बैठिए, अपने साथ मतलब अपनी मशीन के साथ बैठिए, आप अपनी मशीन के साथ बैठिए. सुबह उठकर आप 15 मिनट आधे घंटे रात को सोने से पहले बिल्कुल अलग से बैठिए, देखिए आज क्या इसने काम किया है, क्या इसने खाने में कुछ नहीं खाना चाहिए था उतना खा लिया है. मैं बहुत छोटी छोटी बातों से बता रहा हूँ कैसे आप कंट्रोल में लाएंगे, क्या इसने जंक फूड बहुत ज्यादा खा लिया, क्या ये इस बॉडी इस मशीन के लिए ज्यादा हेल्दी था, ट्रांसफैट ज्यादा ले लिया, क्या कंट्रोल में लाना है ना आपको. और मशीन बहुत इंटेलिजेंट है, ये आपको अब कंट्रोल इतनी आसानी से करने नहीं देगी क्योंकि वो इतने सालों से उसकी एक हैबिट डेवलप हो चुकी है, वो सेल्फ ऑपरेटिंग मोड पर है. तो आप फेल होंगे कदम कदम पर और वो आपको इस लेवल तक डिसअपॉइंट कर देगी कि आप कहीं चल जैसे चल रहा चल रहे, वो नहीं करना है. फिर आज मेरा बिहेवियर कैसा रहा, क्या आज मैं हैप्पी हूं या कहीं आज कुछ गलत हो गया, क्या मैं किसी के लिए डिसरेस्पेक्टफुल हो गया, क्या मैं इगोइस्ट हो गया, क्योंकि ये सब हो कौन रहा है, ऑपरेटर नहीं हो रहा है. जो आप रियल में हो वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो बेचारा तो बैठा है, ये सब मशीन कर रही है, मशीन हो रही है, मशीन मशीन इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से और हर मशीन के पास दूसरी मशीन का रिमोट है, अपना नहीं है. अपना रिमोट, खुद का रिमोट तो ऑपरेटर के पास ही है उसका. अगर ऑपरेटर वाकई जाग जाता है, अपने को उस लायक बना लेता है, देन द ऑपरेटर कैन कंट्रोल एंड कमांड द होल मशीन. तो अगर आप आधे आधे घंटे सुबह शाम या 10-10 मिनट या 15-15 मिनट आप बैठिए शांति से, उससे आपकी लाइफ की क्वालिटी निश्चित ही इंप्रूव होगी. उसे वेस्टेज ऑफ टाइम मत मानिए क्योंकि आपका टाइम आप नहीं जी रहे हैं, मशीन जी रही है और मशीन का जन्म नहीं हुआ है, जन्म आपका हुआ है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव कम इनटू द एग्जिस्टेंस और उसके लिए आपको मशीन दी गई है. इस क्रिएशन में, इस अर्थ पर जब आप डिसेंड हुए हैं तो यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद ए मशीन. जैसे आपको कोई कार दे दे और आप ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठकर पीछे बैठ जाए, और एक ड्राइवर है वो चलाता रह सकता है, लेकिन अगर वो ड्राइवर ऐसा हो कि अपनी मर्जी से आपको घुमाए तो कुछ दिनों बाद आपको कैसा लगेगा. लेकिन इस मशीन में ये जो ड्राइवर्स हैं ये इतने स्मार्ट हैं कि आपको फील भी नहीं होने देते कि वो आपको घुमा रहे हैं. हाँ, लेकिन जब आप स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, जब जिंदगी में और हर एक की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो कितना भी छोटा हो, मशीन सबके पास एक सी है, आप यह समझ लो. थोड़ा बहुत उसका बाहर का मैनिफेस्टेशन अलग हो सकता है, लैंग्वेजेस अलग हो सकती हैं, मैनर्स अलग हो सकते हैं, एटिकेट्स अलग हो सकते हैं. मशीन इज सेम, सॉफ्टवेयर इज सेम,
वो सॉफ्टवेयर पर कितना किसना काम करके कौन कौन से और उसमें डाउनलोड कर लिए हैं एप्स, उसके माध्यम से वो कितना अच्छा कर पा रहा है वो एक अलग चीज है। बेसिक इज सेम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेम। तो अपने को थोड़ा सा समय देना है। और एक दूसरी टिप मैं आपको दूंगा, बहुत प्रैक्टिकल है बट वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस क्योंकि उसमें लगातार अवेयरनेस चाहिए, वो है कि एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंसर, उन दोनों में डिफरेंस करना सीख लो। अभी आपने सुना ये एक्सपीरियंस था एंड इट इज गॉन। एक्सपीरियंस आपको प्रेजेंट में होता है, नेक्स्ट मोमेंट इट बिकम्स द पास्ट, बट यू रिमेन इन द प्रेजेंट। एक्सपीरियंस इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट, यानी कि एग्जिस्टेंस इज प्रेजेंट, एक्सपीरियंस इज पास्ट। आपने कुछ किया या आपके साथ कुछ हुआ, अच्छा या बुरा कुछ भी, वेरी नेक्स्ट मोमेंट इट हैज बिकम द पास्ट एंड यू आर स्टैंडिंग एफ्रेश। आप उतने ही ताजगी से भरे हुए खड़े हो, लेकिन होता क्या है, पास्ट के बर्डन को कैरी करते हैं, अच्छा या बुरा। हम हमेशा प्रेजेंट में नहीं रह पाते, एक्सपीरियंसर के फॉर्म में नहीं रह पाते, जो एक्सपीरियंस हो गया उसमें डूबे रहते हैं। तो डिस्टिंग्विश, डिफरेंस क्रिएट करो। उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन की तरह से माइंड को बहुत फाइन करना पड़ेगा, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, एनालाइज करना होगा। ग्रॉसनेस के साथ ये नहीं हो सकता, माइंड हैज टू बी रिफाइंड, बहुत मेहनत लगेगी, एनालिसिस लगेगा। मेहनत के लिए आपको इसके लिए कोई जिम नहीं करना है, लेकिन मेंटल जिम्नास्टिक करना है, बैठ कर सोचना है और समझना है कि मेरा माइंड इसी तरह से एक्ट करता है, क्योंकि मेरे अंदर जो एक्सपीरियंसेस हैं उसी से हमारी सारी चीजें गवर्न होती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। प्रोसेस कैसे होता है, मेरे सामने आप बैठे हैं, मैंने आपको देखा, देखा मतलब आपकी इमेज मेरे रेटिना पर आई, दैट इज हाउ आई एम सीइंग यू। कभी गहराई से सोच कर देखना है कि क्या हम वास्तव में कभी कुछ देख भी पाते हैं। इट्स ए मशीन, मशीन अगर आंख नहीं होगी तो नहीं देख पाऊंगा ना। तो लाइट से इमेज आई और ये इमेज नर्व करंट में चेंज होती है, यही नहीं देख लेते हैं, एक एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट है रेटिना, यहां से वो नर्व करंट में चेंज हुई, मतलब कोडिंग, जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, समथिंग लाइक दैट। इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू ये ब्रेन में जो करस्पोंडिंग नर्व सेंटर है, यानी कि जो विजन का सेंटर है, वहां पहुंची, वहां डिकोड हुई और आपकी इमेज मुझे दिखी। ये प्रोसेस बहुत फास्ट है क्योंकि मशीन बहुत एडवांस है, ऐसे आदमी तो नहीं बना पाया ना। वहां वो आपको मैंने देखा, अब क्या होगा, आपको देखते ही मेरा जो इंटेलेक्ट है वो डेटाबेस से मैच करने की कोशिश करेगा अपने एक्सपीरियंस से। तो आपको पहले कभी नहीं देखा, एक तो ये इंफॉर्मेशन इमीडिएट आ जाएगी, फिर वो सारा आपका जैसा आप दिखते हैं उस तरह के लोगों के साथ मेरे कैसे एक्सपीरियंस और फीलिंग्स रहे हैं, इसे एकदम निकालकर मुझे दे देगा वो इंफॉर्मेशन। तो हम किसी किसी को देखते ही एकदम ओपिनियन बना लेते हैं ना, ये आदमी खराब लग रहा है, बनाते हैं। किसी को देखते एकदम प्लीजिंग पर्सनैलिटी लगती है, क्यों लगती है, क्योंकि हमारे डेटाबेस में उस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं और वहां से वो हमको नॉलेज आ गई। इसके बाद हमारी रिएक्शन स्टार्ट होती है, जैसे ही इंफॉर्मेशन हमने एनालाइज कर लिया गुड बैड की फॉर्मेट में, तो फिर हम उससे या तो मुस्कुराकर मिलते हैं या फिर उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज हो सकती है, मैं एक बहुत जनरलाइज्ड वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें हमारा ये मेमोरी बेस है, ये एक्सपीरियंस है, यही हमें कमांड कंट्रोल करता है। हम जिंदगी में उतना ही समझते हैं जितना कि हमारा अनुभव होता है, इसके अलावा। और एक्सपीरियंसेस आर लिमिटेड, जय कृष्णमूर्ति कहते थे ना कि एक्सपीरियंसेस आर लिमिटेड, और लिमिटेड के थ्रू आप अनलिमिटेड को कैसे समझोगे? लॉजिक है ना। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सपेंड योर एक्सपीरियंस बेस एनालिसिस के थ्रू, गुड बुक्स पढ़कर, स्टडी करके। सबसे अच्छा है अपने माइंड की स्टडी करिए, आप उसकी फंक्शनिंग की स्टडी कीजिए। तो दो मेजर टेक्निक्स, आप थोड़ा थोड़ा समय दीजिए एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंस एंड एग्जिस्टेंस को अलग करने की कोशिश कीजिए, आप खुश रहोगे। आप ऑफिस में वर्क से जिस क्षण उठते हैं, वर्क प्लेस से, यू शुड बी द ओरिजिनल पर्सन, नॉट व्हाट हैपेंड देयर। यू शुड ऑलवेज बी द पर्सन जो कि हमेशा नया है, हमेशा जीवंत है, जिसके ऊपर किसी भी चीज की छाप नहीं लगी है। जो कुछ हुआ वो एक्सपीरियंस है एंड इट इज पास्ट। पास्ट को नहीं ढोना है, चाहे वो एक सेकंड पहले का हो। पास्ट हैज एंडेड, पास्ट होता ही नहीं है। आप मेमोरी में उसको खींचकर याद भी करने की कोशिश करोगे तो आप ढंग से विजुलाइज भी नहीं कर पाओगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पास्ट। लेकिन फिर भी हम उसी जो हमको ढंग से समझ में दिखता भी नहीं, विजुलाइज भी नहीं होता, प्रॉपरली सोच भी नहीं पाते, उस पास्ट में ही दबे रहते हैं। पास्ट इज गोइंग एवरी सेकेंड, खत्म हो रहा है, हर एक्सपीरियंस खत्म हो रहा है। एक्सपीरियंस हुआ, इट हैज एंडेड। आप हमेशा नए हो, ये नया बना रहना है। एक कहावत है ना कि अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखना, शायद वो यही है कि आप नए बने रहो। आप कभी ऐसा नहीं सोचो कि आपको सब कुछ आ गया, यानी कि आप बूढ़े हो गए। आपके अंदर वो कुतूहल, नई चीजें जानने की इच्छा, छोटी छोटी बातों को समझने के लिए एक एनर्जी, एक फ्रीडम, तब तो आपके अंदर वो प्रोबेबिलिटीज आएंगी कि आप रिएक्शन, कठिन परिस्थितियों में भी आप होल्ड ऑन कर पाओगे, आप उस शॉक को एब्जॉर्ब कर पाओगे। अच्छा और बुरा, अच्छे को लोग शॉक नहीं समझते, लेकिन जब सक्सेस होती है तो वी ऑल फील वेरी डिलाइटेड, दैट इज ऑल्सो ए शॉक। और वेव हमेशा, अगर आपने देखी हो तो वेव इस तरह से चलती है। तो आज जिस चीज से आपको हैप्पीनेस मिल रही है, बी श्योर, इस चीज को याद रख लेना, उसी से आपको अनहैप्पीनेस मिलेगी, फिर उसी से आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी, फिर अनहैप्पीनेस। इट गोज लाइक दैट ओनली। तो जब बहुत हैप्पीनेस हो, उस मोमेंट में भी अपने को कंट्रोल रखना है, वहां भी प्रेजेंट, मतलब वो भी एक एक्सपीरियंस है एंड इट इज द पास्ट, फिर नहीं जीना उसमें। ऐसे ही सोरोस का जो एक्सपीरियंस है, मिजरीज का है, टेंशन का है, स्ट्रेस का है, उसको तो हम चाहते ही भूलना, लेकिन अभ्यास हमें हैप्पीनेस के मोमेंट से करना होगा। नहीं तो आप सोरोज एंड मिजरीज में को आप हटाना चाहें और हैप्पीनेस में आप इंजॉय करना चाहें, आनंद में रहिए, उसके बाद स्थिति क्या होगी, आनंद की, ब्लिस जिसे कहते हैं, समत्वम, इक्वेनिमिटी। वर्क एंड लाइफ दोनों अलग चीज नहीं है। लाइफ इज ऑल्सो इन द वर्क, लाइफ के अंदर ही तो वर्क आता है। हाँ, अगर हम लाइफ से हमारा मतलब यह है कि हमारे प्रोफेशन से अलग जो फैमिली लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, तब भी आपको यही चीज काम आएगी कि आप प्रेजेंट में जिए। अगर आप फैमिली के साथ हैं, गिव योर 100% देयर। इफ यू आर एट द वर्क डेस्क, बी प्रेजेंट ओवर देयर, गिव 100% देयर। उसके बाद आप उससे बाहर आ गए, उस जोन से बाहर आ गए, आप दूसरी जोन में आ गए। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जरूर समय स्पेंड करें,
ये बहुत कॉमन एडवाइस है, सभी देते हैं, लेकिन आज नहीं तो आपको जब आप हम लोगों की एज पर आओगे देन यू विल रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट इट वॉज। क्योंकि एक समय के बाद ना आपके पास फ्रेंड्स होते हैं और फैमिली में भी लोग सब इंगेज हो जाते हैं। अब टॉपिक वो नहीं है, लेकिन अगर हम समय पर चीजों को समझ लें, और कुछ लोग आप में से निश्चित ही समझ लोगे, एंड दे विल हैव दैट डिफरेंस इन दी लाइफ। सबसे पहले तो अपने को ऑपरेटर की स्थिति में बैठा लो। इस मशीन को अपने आप सुखी दुखी मत होने दो, और सुखी दुखी होने से आप भी सुखी दुखी हो रहे हो। बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने डीपली एनालाइज किया इशू को, और आगे अगर कुछ क्वेश्चंस हों आई वुड लाइक टू टॉक ऑन देम। प्लीज वैसे भी आवाज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए आप माइक। आ गया सर, जय कृष्णमूर्ति कहते थे कि ईगो को डिसॉल्व करना चाहिए, बट हर एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ ईगो रहता है, वन ऑफ पर्पस दिखाई नहीं देता। देखो टर्मिनोलॉजीज का अंतर होता है। अब बैठ जाइए। जय कृष्णमूर्ति जिस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं, कुछ लोग दूसरी टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं, कहना सब एक ही बात चाह रहे हैं। इस पर अगर आपने जय कृष्णमूर्ति की बात की है तो मैं एक इंसिडेंट सुना देता हूं। एक योगी रामसूरत कुमार थे तिरुनल वैली में, वो जय कृष्ण उनके गुरु कोई थे रामदास जी करके, और वो भक्ति वाले थे, युगो ये सब चीजें नहीं थी उनका, ये था कि बस राम का नाम लो। बट ही हैपन टू रीड जय कृष्णमूर्ति समहाउ। अब जय कृष्णमूर्ति तो टोटल इंटेलेक्चुअल है, बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ उनके डिस्कशन, डेविड हूम वगैरह के साथ आप पढ़िए, यू विल लव टू रीड। और जय कृष्णमूर्ति ने बहुत इन्फ्लुएंस किया उस समय के साइंटिफिक माइंड को। तो उन्होंने जब जय कृष्णमूर्ति को पढ़ा तो उन्हें लगा कि व्हाट ही सेइंग इज करेक्ट, लेकिन हार्ट उनका कह रहा था कि जो मेरे गुरु ने कहा है वो भी सही है। तो डायलेमा उनके अंदर स्टार्ट हो गया। वैसे टर्मिनोलॉजी पर करके फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ। देन ही ट्राइड टू मीट जय कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति उस समय जिंदा थे, अभी 86 में ही तो शायद उनका शरीर गया। तो वो आए थे, यहाँ आते थे क्या कहते हैं ऋषि वैली में हैदराबाद में, और वाराणसी में बसंता का। तो वो हैदराबाद गए, तब तक वो जय कृष्णमूर्ति निकल चुके थे। अच्छा, जय कृष्णमूर्ति की पूरी टीम फॉरेनर्स की थी, वही पूरे प्रोग्राम मैनेज करते थे, तो इट वाज नॉट दैट इजी टू मीट हिम। और बड़ी हस्ती थे। तो ये योगी रामसूरत कुमार, अभी इनका भी बड़ा नाम है, लेकिन ये उस तरह के बाबा थे जैसे बाबा होते हैं ना। तो उनके जहाँ वो रुके थे उस बिल्डिंग के सामने वो पूरी रात एक पेड़ के नीचे पड़े रहे, इस उम्मीद में। उन्हें पता था कि जय कृष्णमूर्ति सुबह मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, तो उस समय मैं किसी तरह से पूछ लूंगा कि मेरा डायलेमा है कि क्या सही है। अब ये थोड़ा सा मतलब जो उन्होंने कहा मैं वही बता रहा हूँ। ही सेड कि जय कृष्णमूर्ति सुबह 4 बजे गेट खुलता है, और वो शायद 4:45 या 5 पर निकलते थे, लेकिन उस दिन वो 4 बजे बाहर आए एंड ही केम डायरेक्टली टू हिम। और एक बात कही उन्होंने बस, योर गुरु एंड मी बोथ आर सेइंग द सेम थिंग। और जय कृष्णमूर्ति मुड़े और अंदर चले गए, तो ही गॉट द आंसर। तो वो टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जैसे ईगो की हम बात कर रहे हैं ना, ईगो भी मशीन का हिस्सा है। जैसे हम दूसरी टर्मिनोलॉजी लेके बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज की, आज देखिए श्री कृष्ण ने गीता में जो टर्मिनोलॉजी दी कि 5 हॉर्सेज हैं, और क्या कहते हैं उसमें एक सारथी बैठे हैं, पीछे अर्जुन है, वो सेम है। उस समय वो समझ में आ जाती होगी लोगों को, क्योंकि उस समय वो सब था, यानी कि 5 सेंसेस हैं, है ना, जो ये माइंड है जो 5 सेंसेस को कमांड में रखे हुए है, पीछे सोल के रूप में अर्जुन बैठे हैं, ये इंटेलेक्ट है जो लाइक दैट। अब ये कंप्यूटर का बहुत इजीली समझ में आ जाता है। तो ये जो ईगो है, दिस इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ दिस मशीन ओनली।
इट्स नॉट सोल। आप कह सकते हैं कि अब ये मशीन है, देखो बहुत सिंपल तरीके समझाता हूं कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है, एनर्जी है, लेकिन तीनों अलग अलग है, तीनों की अलग अलग विल है। थोड़ा हम और डीपर जा रहे हैं। आपने कभी आपके मन ने सोचा होगा कि मैं डेली 4:30 पर उठूंगा, लेकिन जब आप सुबह उठोगे तो आपकी बॉडी आपको नहीं उठने देगी, यानी कि बॉडी ऑल्सो हैज ए विल, यानी कि तीन एंटिटी है इस मशीन में। जब बहुत डीपर योग में जाते हैं तो पता चलता है कि देर आर थ्री पुरुषार्थ, इट्स नॉट वन, और ये तीन एंटिटी हैं। तो बॉडी भी कमांड में नहीं आती माइंड के, और माइंड भी बॉडी के कमांड में नहीं आता, लेकिन अब तीनों को साथ में रहकर काम करना है। ऐसी प्राणिक एनर्जी जिसे कहते हैं इमोशंस वाली फील्ड जो है, अभी तीनों को इंटीग्रेट करने के लिए एक्चुअल में सोल है पीछे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर एग्जिस्टिंग। लेकिन सोल तो इन्होंने बाईपास कर दिया उसको बिल्कुल, मतलब सोल उतनी पावरफुल नहीं है, इट इज नॉट एक्टिव, ऑपरेटर इज नॉट एक्टिव, तो दे हैव क्रिएटेड ए फॉल्स ऑपरेटर एंड दैट इज कॉल्ड ईगो, जिसके अराउंड ये लोग काम करते हैं। ईगो डिसॉल्व करने का मतलब यह है कि इट्स अ नॉन एंटिटी। जय कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि डिसॉल्व कर दो, तो डिसॉल्व तो आप उसी को कर सकते हैं ना जो नॉन एंटिटी है। अगर एंटिटी है तो इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, साइंस का प्रिंसिपल है कि यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय ए सिंगल स्पेक। आप छोटा से कण को भी, धूल के कण को भी आप नष्ट नहीं कर सकते, उसकी बस आप फॉर्म चेंज कर सकते हो, वो एनर्जी में तब्दील हो सकता है। तो ईगो ही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वो फॉल्स है, और वो ईगो आपके ऑपरेटर को काम करने नहीं देगी, क्योंकि वो ऑपरेटर मतलब जो रियल आप हो उसके रास्ते का हिंड्रेंस यही है, क्योंकि एक डुप्लीकेट ऑपरेटर बैठ चुका है, दैट इज द ईगो, और वो जी के चला जाता है। और जो सोल है उसको बार बार जो कहते हैं ट्रेडिशन में, इट कम्स अगेन एंड अगेन, कि कभी तो वो कमांड में लेके इस मशीन को ऑपरेट करना सीख ले। और इसमें आपने बात उठाई तो इंटरेस्टिंग, आपको एक चीज और बता दूं कि इवोल्यूशन में हम देखते हैं ना कि अमीबा से लेकर धीरे धीरे इवोल्यूशन होते होते फिश, और फिर उसके बाद एनिमल्स, प्लांट किंगडम, देन दी एनिमल्स में एप्स के बाद ह्यूमन बीइंग, इट्स अ कंटिन्यूस इवोल्यूशन। तो क्या आदमी पर आकर इवोल्यूशन बंद हो गई, या कोई और स्पेसी आएगी जिसके पास इससे बहुत डेवलप्ड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सिस्टम होगा? तो श्री अरविंदो, आपने नाम सुना होगा, ये भी बहुत बड़े फिलोसोफर और इंटेलेक्चुअल रहे हैं और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने एकमात्र हैं, उन्होंने ये कहा कि यस, जितने लोग इस मशीन को चलाना सीख लेंगे, बोले ये जो क्रिएशन है इट इज विद अ पर्पज, क्रिएशन का पर्पज है, पर्पज ये है कि जो जो ऑपरेटर भेजे जा रहे हैं वो इस मशीन को चलाना जब परफेक्शन मतलब सीख लेंगे, तो दे विल बी प्रोवाइडेड, दे विल कम एज दी हायर स्पेसीज, एज जो ऐप के बाद जो आदमी बना, तो ऐप तक उसने बहुत परफेक्शन कर लिया, उस मशीन को चलाना सीख लिया, अब उसके जो ऑपरेटर है इट नीडेड ए बिगर मशीन, तो आदमी का शरीर दिया गया। तो इस तरह की बातें हैं। तो कुड यू गेट दी आंसर कि ईगो फॉल्स चीज है, लेकिन उसको आप ऐसे डिजॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आप काम ही ईगो के थ्रू कर रहे हैं, अभी ऑपरेटर तो एक्शन में आया ही नहीं है, तो ईगो अपने आप को डिजॉल्व क्यों करेगी? ये सारा काम तो ईगो से ही हो रहा है, हर व्यक्ति कर रहा है, बड़े से बड़े संत महात्मा ईगो के भी तीन डिवीजन कर दिए, सात्विक, तामसिक, राजसिक। तो सात्विक ईगो कहते हैं कि भाई ये एक तरह से बहुत प्यूरिफाइड ईगो, मतलब ईगो बहुत हम्बल बन गई, मतलब ईगो को आपने डिसॉल्व करते 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 एक इस लेवल पर ले आए कि अब ईगो बहुत बहुत प्यूरिफाइड टाइप ऑफ ईगो हो गई, और ये बहुत ऑपरेटर के साथ जुड़ रही है, दैट इज कॉल्ड दी सात्विक ईगो। तो सात्विक भी पहुंचना कठिन होता है, डिसॉल्व करना तो बहुत बड़ी बात है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। इस मशीन को प्रॉपर ऑपरेट कर लेना आसान नहीं है। इस दुनिया में खुशियां खुशियां होती हैं, अदरवाइज आप सोच के देखिए कि एक इंसान को जो भी इसका रचयिता है, क्रिएटर है, आप कुछ भी नाम दो, एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का हो, उसने क्या वजन डाला है आपके और मेरे ऊपर। डाइजेशन अपने आप होता है,
आप जो खाते हैं उसमें से प्रोटीन और मिनरल्स और विटामिन अपने आप मशीन लगी एक्सट्रैक्ट कर रही है, आपको तो टेंशन नहीं लेना पड़ता ना कि मुझे इतना प्रोटीन निकालना है इतना, उसी में तो नहीं आप उलझे हुए हो। ऐसी मशीन दे सकता था कि आप और कुछ काम ही नहीं होता, अब डाइजेशन में लगे हुए हैं, आप ब्रीदिंग कर रहे हो, ब्रीदिंग आपको करनी पड़ती है क्या? अगर ब्रीदिंग भी हमारे ऊपर छोड़ दी जाए तो हम सो भी नहीं पाएंगे कि श्वास लें कि सोएं, सिस्टम अपने आप चल रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। आप बताओ हम और आप कर क्या रहे हैं? वी आर लिविंग ऑन द सरफेस, बीनीथ क्या है, अंदर क्या है, उसका तो कहीं कोई कंट्रोल कमांड हमारे पास है ही रखा ही नहीं उसने, उसने बिल्कुल फ्री दिया आपको सब कुछ, फ्री हवा भी आपको दे दी उसके लिए, ऑक्सीजन भी दे दी आपको, पानी भी दे दिया, बहुत सुंदर दुनिया भी दे दी। लेकिन जैसे एक जोक है ना कि ट्रेन में एक व्यक्ति जा रहा था तो सिर पर बैग रखे था, बोले भाई तुम क्यों कि नहीं मुझे बॉम्बे जाना है इसलिए आई एम कैरिंग माई बैग, बोले ट्रेन लेकर ही जा रही है तुमको बॉम्बे। तो ऐसे ही इंसान के ऊपर वजन तो कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ एजम्पशंस और परसेप्शन का वजन है, साइकोलॉजिकल है पूरा मामला, इसीलिए माइंड की स्टडी करनी है, इट इज ऑल साइकोलॉजिकल, अदरवाइज यू आर फ्री। क्या क्या है बोझ बताओ भाई? बोझ यह है कि आपका जो सॉफ्टवेयर डाल दिया बहुत अपग्रेडेड डाला है, आपका हार्डवेयर भी बहुत अपग्रेडेड, सब कुछ बहुत एडवांस है, वो सेल्फ ऑपरेटिंग है, और जो ऑपरेटर है वो इनएक्टिव है या उतना सफिशियंटली इंटेलिजेंट नहीं है, ये समस्या है। नहीं तो ऊपर वाले ने तो बिल्कुल कहीं कोई वजन ही नहीं रखा, आप आराम से रह सकते हैं बस, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन ये जो मन दे दिया तो उसका जो पर्पज है कि उसको एक नई स्पेसीज लाना है, तो जो जो लोग इसमें परफेक्ट होकर निकलते जाएंगे 2-4, 10,000, 20,000 साल बाद एक नई स्पेसीज आ जाएगी, उसके लिए आदमी और उसके बीच में वही गैप होगा जो हमारे और एप्स के बीच में है। दैट इज हाउ इमोशनल बैलेंस, पूरा लाइफ बैलेंस की बात है। एक आपने क्वेश्चन पूछा, और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज? जैसे आपने बताया था कि माइंड तीन तरीके से रिएक्ट करता है, मतलब उसको सिखाना है कि कैसे रिएक्ट करना है। सर जैसे मैंने अपने पर ट्राई किया तो कुछ हद तक मैं सफल हुई, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक्सट्रीम हो जाती है किसी चीज की, मन भरता जाता है तो उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। सर इस चीज को कैसे कर? श्री रामकृष्ण परमहंस का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाई, एग्जैक्टली इस चीज का आंसर है कि एक स्नेक था और कोबरा था और बहुत खतरनाक किस्म का था, मतलब वह हमेशा गुस्से में रहता था और जब भी उस रास्ते से कोई निकलता था तो या तो वो उसे काट लेता था या उसके पीछे दौड़ता था, तो धीरे धीरे लोगों ने गाँव वालों ने उस रास्ते से जाना ही बंद कर दिया। अब हुआ ये कि वहां से कोई एक योगी निकला तो लोगों ने कहा कि उधर मत जाओ बहुत ही डेंजरस स्नेक है, बट ही हैड सम पावर्स, स्टोरी है, स्टोरी की तरह समझिए, पावर्स होती है नहीं वो एक अलग चीज़ है। तो ही बैंड दिया, बोले नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसने उस स्नेक को रोका और उसको समझाया कि यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, सर्च वेयर इज द ऑपरेटर इन यू, बोले ये ऑपरेटर नहीं कहा होगा लेकिन ये कहा कि ये तो तुम्हारा बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है, तुम तो सोल हो अंदर, तुम देखो तुम हो क्या चीज, नहीं तो इस मशीन को ही नहीं संभाल पा रहे हो, ये तो अपने आप चल रही है, और इसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, गो ऑन रिपीटिंग दैट, तो उससे तुम्हारे अंदर एक कुछ जैसे बीज डाल देते हैं तो कुछ धीरे धीरे वो वृक्ष निकलता है, पौधा बनता है, तो कुछ तुम्हारे अंदर चीजें आ जाएंगी एंड कुछ चेंज आएगा। वो इम्प्रेस हो गया, उसे लगा कि हाँ ये कुछ सही कर रहे हैं, तो ही टुक दैट मंत्र, जस्ट स्नेप, जैसे स्टोरी, लेकिन आपका आंसर मिल जाएगा। अब वो करते करते वो इतना बढ़िया हो गया, उसकी वही ईगो जो तामसिक थी पहले, मतलब तामसिक ईगो का मतलब ये हुआ कि जिसकी ईगो, आप ऐसे समझ सकते हैं जो व्यक्ति हमेशा दूसरों का नुकसान करना चाहता है, ही इज लिविंग इन दी तामसिक ईगो, ठीक है। राजसिक ईगो है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, एट द सेम टाइम हेल्प भी कर सकता है लोगों की, और अनपढ़ है तो दूसरे को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, मतलब वो एक राजसिक जैसे कहते हैं, ठीक है, दैट इज राजसिक ईगो। सात्विक यह है कि वो
संतुष्ट हो गया है और वो दूसरों की हेल्प करेगा बट नेवर डू एनीथिंग अगेंस्ट दैट पर्सन, तो उसके अंदर वो साथी की ईगो आ गई, अब उसने काटना बंद कर दिया। तो वहां से जो लोग पहले, और रोड पर भी नहीं आता था, साइड में पेड़ के किनारे पड़े रहता था, तो गांव वाले पहले बहुत डरते थे, जब उन्होंने देखा है आता नहीं है तो कोशिश करते हैं निकलने की, तो निकले, इसने कुछ नहीं किया, तो उनकी हिम्मत बढ़ी, तो उन्होंने पत्थर फेंक कर देखा इसके ऊपर, इसने फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दी, एक्सट्रीम होता जा रहा है इसके साथ, तो इसने कोई रिएक्शन नहीं दी, तो बेकार हो गया। उनने उठाकर उसको कटीली झाड़ी पर फेंक दिया, तो बिल्कुल उसको घायल हो गया, लेकिन वो तो संत हो चुका था, तो उसने किसी को मार के भी नहीं खाता था कुछ भी, जो कोई मरा मिल जाए तो उसको खा ले इस तरह से। फिर वो इतना कमजोर हो गया कि बिल से ही बाहर नहीं निकलता था। कुछ समय बाद उनके गुरु जी फिर उस रास्ते से निकले, योगी जी, तो उन्हें गाँव वाले से पूछा कि वो दिख नहीं रहा कहाँ है, अरे यार वो तो शायद मर ही गया होगा, तो बहुत मतलब ऐसा, तो उन्होंने कहा नहीं मर तो नहीं सकता, मैंने उसको मंत्र दिया था तो उसका अभी रिजल्ट तो आना है, शेष है, तो उसने जाके वहां उसको बुलाया, तो वो निकल कर बाहर आया बहुत बुरी स्थिति में। तो उन्होंने कहा ऐसी स्थिति तुम्हारी, तुम तो कोबरा हो और तुमको लोग इतना मार पीट के चले गए। उसने कहा कि आपने जो मंत्र दिया था उससे मेरा मन इतना प्यूरिफाई हो गया, मैं एकदम सात्विक हो गया, मेरी इच्छा ही नहीं होती कोई मारे तो ठीक है, नहीं मारे तो ठीक है। तो योगी जी गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा बेवकूफ, मैंने ये कहा था कि काटना नहीं, लेकिन फुफकारने को तो मना नहीं किया था। सो दिस इज द पॉइंट, अपने कमजोर थोड़े बनना है, अगर आप ऑपरेटर बन जाओगे तो यू विल बी द मोस्ट पावरफुल, आपके पास इतनी एडवांस मशीन होगी विद द कमांड, तो ये वीकनेस की तरफ थोड़ी ले जा रही है, वीक तो अभी है, वो तो बहुत स्ट्रांग सिस्टम बन जाएगा आपका। तो लेकिन जब तक नहीं बनता है तब तक ये फुफकारने वाला है। और एक और चीज उन्होंने कही थी, अभी एक जैसे मैंने कहा आपसे कि आप लोग आधे घंटे 15 मिनट बैठा करें, उसके लिए भी एक एनेक्डोट है श्री रामकृष्ण परमहंस देव का, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे अगर आपको ऐसे नहीं मालूम हो तो। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो दुनिया है, समझ लो कि ये पानी है, वर्ल्ड वर्ल्ड ऑफ इंट्रैक्शंस, और आपका जो माइंड है इट इज लाइक ए मिल्क, जब आप दोनों को मिलाते हो तो मिलकर एक हो जाता है, यू कैन नॉट सेपरेट वाटर एंड मिल्क, वो तो एक बन गया, दूध में पानी मिल गया, इसलिए आपको स्ट्रेस और परेशानी हो गई क्योंकि अब आप एक्सपीरियंस को ही सब कुछ मानने लगते हो, वो एग्जिस्टेंस में नहीं आते हो। तो क्या करो कि इस जैसे दूध को एकांत में रख के दही बनाते हैं ना, तो फर्स्ट मेक कर्ड ऑफ इट, आपने आधे घंटे आप जो बैठोगे ना डेली, तो क्या होगा आपका ये माइंड धीरे धीरे मेच्योर होगा, चारों तरफ से अपनी एनर्जी गैदर करेगा, तो शांत होकर बैठेगा, तो एग्जाम्पल है कि भाई दही की तरह वो स्थिर हो गया, दही भी एकदम स्टेबल हो जाता है ना, हिलता डुलता नहीं अगर अच्छे से जम जाए। फिर इसके थॉट प्रोसेस के द्वारा, एनालिसिस के द्वारा आप इसकी चर्निंग करिए, जब चर्निंग करेंगे तो कर्ड बिकम्स द बटर, तो जब बटर है नहीं कि आपको कुछ चीजें अच्छी सी समझ में आ जाएंगी, और एक दिन का बटर एक दिन के लिए हो गया, ये डेली करने का प्रोसेस है, और उस बटर को अगर आप पानी पर डाल दो यानी कि संसार के साथ मिला दो तो वो ऊपर ऊपर रहेगा, इट विल इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड, इट विल बी इन द वर्ल्ड, लेकिन उसमें डूबेगा नहीं, उसके द्वारा परेशान नहीं हो पाएगा। तो ये हर दिन करने की चीज है, आज आपने कर लिया आज का दिन आपका अच्छा गुजर जाएगा। इसमें मैं नागेंद्र जी से मुलाकात हुई थी सिंगापुर में, बस मेरे ख्याल से टाइम हो गया, एंडिंग विद दिस, वो वैसे नासा में साइंटिस्ट थे, आईआईटी से बीटेक एमटेक पीएससी एंड साइंटिस्ट इन नासा, फिर इंडिया आ गए तो योग में उन्होंने यूनिवर्सिटी है ना, इज द चांसलर ऑफ एस व्यासा बेंगलोर, बहुत बड़ा सेटअप है, हम सब लोगों ने उनसे कुछ ना कुछ सीखा है। तो वहाँ सिंगापुर में वो थे, तो उस समय मेरा भी वहाँ एक लेक्चर के लिए जाना हुआ था, तो मैंने उनसे कहा गुरुजी कुछ, मैंने उनको बात बताई कुछ कि ऐसे ऐसे मैंने किया था एंड
बहुत अच्छा हुआ था उस समय. तो व्हाट ही सेड, ही सेड कि डेली चार्ज करने की जरूरत है. सर इतना उत्तर दिया उन्होंने, डेली. ऐसा नहीं है आपने कर लिया वो काम करेगा कुछ दिन. बहुत से लोग बहुत बहुत माइंड कंट्रोल कर लेते हैं, अपने कमांड में ले आते हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिसेस बंद कर देते हैं, तो उनकी ऑरा मतलब वो बहुत दुनिया को प्रभावित करते हैं. वो लोग बहुत समय तक उनका इन्फ्लुएंस रहता है, लेकिन आप देखते होंगे कुछ समय के बाद वो जैसे कहते हैं ना, अरे उसने ये गलती कर दी, फिर वो जेल जा रहा है या कुछ और कर रहा है, क्योंकि ही हैज स्टॉप्ड डूइंग दैट डेली. तो जो उसकी जो कुछ उसने अचीव किया वो खत्म स्पेंड हो जाता है. आप जो कमाओगे वो खत्म होगा ना आपके उसमें. आप खर्च ही खर्च करते रहो, आप अर्निंग नहीं करो. तो डेली चार्ज, इसलिए अपने को डेली आधा घंटा देना है. 15 मिनट सुबह दे दो, शाम दे दो. अभी आपको 30 मिनट्स भी मुझे कहते हैं, मैं डर रहा हूँ कि ज्यादा समय कह रहा हूँ. आप 15 मिनट्स बैठो सुबह शाम, आप चेंज देखोगे अपने. थैंक यू. कोई क्वेश्चन हो तो बात अलग है, अदरवाइज वी विल एंड. सर एक्चुअल में एक ही लॉट नहीं होता. जैसे अगर 11:20 हो गए तो ये रहेगा कि अरे 11:15 पे पहुंचना था, तो वो थॉट परेशान कर रहा है, समझ आता है. पर सर एक्चुअल में एक थॉट 100 times चले इट्स ओके, बट एक थॉट नहीं होता सर. उससे रिलेटेड भी नहीं सर. जैसे कोई भी, जैसे हम परेशान हैं, एक थॉट अगर परेशान करता है तो उसको हम ऑब्जर्व करके हटा सकते हैं, कोई नॉलेज अप्लाई करके कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता करके. अगर 10 thoughts एक साथ चल रहे हैं, आज अपन ने उसको बैठ के ऑब्जर्व करके नहीं खत्म किया, एंड ऑफ द डे में वो 10 thoughts इकट्ठा होके सब मिक्स्ड हो गए माइंड में. अब थॉट्स तो खो जाएंगे सर, उनको हम पकड़ नहीं पाते. थॉट्स खो जाते हैं, उसके इमोशंस रह जाते हैं, और इमोशंस अल्टीमेटली वो फियर एंग्जाइटी में कन्वर्ट होता है. उसी चीज के साथ हम सो जाते हैं. डे बाय डे ये चीज चलती है, मिक्सचर ऑफ इमोशंस होता चला जा रहा है. हम अपने थॉट्स को पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो फियर में कन्वर्ट हो गया. अब फियर सिर्फ उसी चीज को लेकर नहीं है सर, लाइफ में जो नॉर्मल रूटीन के वर्क्स हैं, फियर किसी और चीज का है, लेकिन वो अप्लाई उस चीज पर भी होगा. जस्ट लाइक कुछ लोगों को नए लोगों से बात करने में बड़ी इश्यूज होते हैं, जस्ट लाइक मीन. तो वो फियर किसी और चीज का है, लेकिन अप्लाई वो इस छोटी सी चीज पर भी हो रहा है. अब प्रॉब्लम ये है कि सारे के सारे इमोशंस को बैठ करके ढूंढना, पकड़ना और उनका सॉल्यूशन ढूंढना, इट्स वेरी टफ. सो आई जस्ट वांट टू आस्क. ओके, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन. जब हम जैसे आपने कहा ना, रात को सो जाते हैं उसी फियर और एंग्जाइटी के साथ, इसलिए मैंने कहा कि रात को 15 मिनट आधा घंटे या जो जितना भी टाइम आप दे सकें, और सुबह, क्योंकि जिन फियर्स के साथ आप सो जाते हैं ना, सुबह वो पॉपअप करते हैं. आपने देखा होगा जब आप उठोगे तो यू हैव दैट हैवीनेस उन चीज़ों की आपके ऊपर रहती है. तो वो सोने से पहले अगर आप 15 मिनट बैठेंगे उसमें, आपको देखिए प्रैक्टिस हर व्यक्ति को अपनी इंडिविजुअल डिवाइस करनी होती है. इसका कोई भी सेट सिस्टम नहीं है. हालांकि लोग अपने अपने सॉल्यूशंस देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी अपने ढंग से करना है. जैसे आप बैठकर आपको एक एक चीज एनालाइज करना है, एक तो वो तरीका हो सकता है. क्या होता है कि अगर आप प्रॉब्लम की रूट पर पहुंच जाए तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है. कभी आप देखना इस चीज को. अगर आप वरीड हैं और आपको पता नहीं चल रहा क्यों है, ऐसा भी बहुत बार होता है. आप फियरफुल हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, और बहुत छोटी सी कोई बात होगी जो कहीं अंदर घुस गई और उसने एकदम फैला दिया उस एनर्जी को, तो आपको बैठ के एनालाइज करने की जरूरत पड़ेगी. और उसके अगर आप रूट पर पहुंच गए तो जैसे ही आप उसको देख लोगे ना, उसकी ताकत बहुत कम हो जाएगी. वो रहेगी लेकिन उसकी ताकत कम हो जाएगी, एंड यू कैन डील विद दैट. आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, अब उसको हैंडल कर लो. बहुत सारे थॉट्स भी मिल जाते हैं, बहुत सारे इमोशंस भी मिल जाते हैं, सब कुछ होता है. मैं बहुत बेसिक प्राइमरी स्टेज की बात कही थी मैंने, लेकिन ये लाइफ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. इसमें जब कभी व्यक्ति फंसता है तो एक के साथ एक 10 उसके ऊपर स्ट्रोक एक दिन में हो सकते हैं, एक घंटे में हो सकते हैं, 10 तरह के एडवर्स सिचुएशन आ सकती है.
तो एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसर एग्जिस्टेंस, अब इसका भी अगर अभ्यास होगा तो उसको शौक आएगा, सब कुछ लगेगा, लेकिन कम लगेगा। अगर वो डेली प्रैक्टिस करेगा, डेली उसका अभ्यास होगा ना, तो करते 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 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन में नहीं होगा। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन इन अ डे, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। और अपने फियर्स को एनालाइज करना चाहिए, अपने हैप्पीनेस को भी करना चाहिए, अपने रिलेशंस को भी करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही है, या दोस्त के साथ नहीं बन रही है, तो आप अपने ट्रेड्स लिख लीजिए, अपने और उनके लिख लीजिए। लिखने से भी बहुत काम होता है कि भाई उनकी क्या क्या चीज आपको परेशान कर रही है, और आपकी क्या क्या चीजें हैं जो आपको सुधारने की जरूरत है, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। आप लोग यहाँ सब साथ में हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक महीना होते होते जान जाएंगे। एक फीडबैक सेशन करिए। फीडबैक सेशन में क्या होता है कि जैसे 10-10 लोगों के ग्रुप बना दिए, अब वो 10 लोग जो आपको जान, एक महीने में जिन्होंने, हम दूसरे को ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं खुद की जगह, तो दूसरे को पता भी नहीं होता, वो चीजें सामने वाला ऑब्जर्व कर लेता है उसकी। तो एक फीडबैक सेशन रखिए, जिसमें एक व्यक्ति को बिठाइए और 9 लोग उसको फीडबैक दें, उसकी 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, उसको बहुत कुछ मिल जाएगा। उसको अपनी स्ट्रेंथ भी नहीं मालूम होती, आपको जरूरी नहीं है आपको अपनी स्ट्रेंथ से वीकनेस मालूम नहीं है, स्ट्रेंथ भी नहीं मालूम होंगी पूरी, लेकिन सामने वाला देख रहा है कि आपकी अपीयरेंस से, आपकी प्रेजेंस से ही इतना अंतर पड़ जाता है, और वो डर डर के बात भी करने में डर रहा है। तो इस तरह का फीडबैक सेशन कभी रखा जा सकता है, उसमें आपको वाकई बहुत कुछ मिलेगा दूसरों के ऑब्जर्वेशन से। आपका सॉल्यूशन हुआ क्या? एक क्वेश्चन अभी, ये मिक्स है, इसका कोई बोली बोली आवाज आएगी मुझे, मतलब इमोशंस कभी ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं आते, आ भी सकते हैं, आप किसी भी प्रोबेबिलिटी से इनकार नहीं कर सकते। आपको एक ही चीज का कोई इश्यू हो सकता है, एक साथ कई चीजों का हो सकता है, लेकिन अगर आप डेली अपने मन के साथ, अपने साथ बैठने का अभ्यास डालेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या कमियां हैं, कहां आपको वर्क करना है। धीरे धीरे होगा, ये मशीन इतनी आसानी से कंट्रोल में आ जाती तो दुनिया में कहते हैं कि कितने परसेंट लोग को खाना नहीं मिलता, ये सब भी शायद आवश्यकता ही नहीं। तो फाइंड आउट करने में ही इशू होता है, सो उसके कारण जो पर्सनालिटी है जो डे बाय डे डिग्रेड होती जा रही है, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। अकेले बैठिए अपने साथ, हम अपने को समय नहीं देते ना, समस्या ये दुनिया को देते हैं। हम लोग देते हैं समय मोबाइल को, हम देते हैं वेब सीरीज को, हम देते हैं इसको उसको, करो सब कुछ करो, बट गिव सम टाइम टू योरसेल्फ आल्सो, अपनी मशीन को भी समझ दो समझने के लिए। ये इस मशीन से हमको बहुत अच्छा जी के जाना है, इसीलिए भेजा ऊपर वाले ने, दुनिया इतनी सुंदर इसीलिए बनाई है कि आप इसको खूब एक्सप्लोर करो, खूब जियो, खूब आनंद से जियो, है ना, इसलिए ही जन्म हुआ है ना, इसको बहुत अच्छे से जीना है। अब जीने के मार्ग में प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम जिस मशीन से काम कर रहे हैं, उस मशीन के कुछ बेसिक उसने डिफॉल्ट पर लगा के कुछ चीजें छोड़ दी हैं, और जो ऑपरेटर है उसके लिए एक चैलेंज है, एक्चुअल में इट इज ए चैलेंज हर व्यक्ति के लिए कि वो अपने सिस्टम को समझ के जी ले, अपनी मशीन को अच्छे से करके जी ले। हम उसको चैलेंज की तरह कभी नहीं लेते, हम हमेशा एक्सटर्नली दौड़ते हैं, क्योंकि सेंसेज इसी तरह से बनी है, सेंसेस भी इसी तरह से बनाई गई है कि आपको लगातार बाहर से इंफॉर्मेशन आती रहेगी, और इंफॉर्मेशन अंदर से जो आपकी मेमोरी बेस है उससे आती रहेगी, तो कभी आप मुड़ोगे ही नहीं कि हु इज ऑपरेटिंग दिस, और ये सब चीजें आपके ख्याल में ही नहीं आएंगी। और जब आती हैं, सबको आती है लाइफ में, लेकिन जब आती है तो बहुत देर हो जाती है, क्योंकि हैबिट फॉर्मेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप एक हैबिट नहीं चेंज कर सकते। न्यूरल सिस्टम में पूरा इतनी कोडिंग स्ट्रांग हो जाती है कि आपको बहुत करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप लोगों की एज ऐसी है कि अभी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप इसीलिए कभी कोई बुजुर्ग है तो उसमें सुधार की उम्मीद मत करो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू चेंज। फैमिलीज में यही प्रॉब्लम्स आती हैं
कि जो एजेड लोग हैं उनके जो बिहेवियरल पैटर्न्स बन चुके हैं वो कई बार आपको बहुत परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप उनको कुछ नहीं कर सकते। वो चाहे तो खुद नहीं बदल सकते, रेयर हो सकते हैं कुछ लोग बदल लें, लेकिन 90% 95% लोग नहीं चेंज हो सकते। तो बन क्या सिस्टम, 85-86 की एज में भी व्यक्ति पैसा ये वो उसमें लगा रहता है, मैं और मेरा, उसको पता नहीं नेक्स्ट डे वो रहेगा या नहीं रहेगा, बीमार है तब भी लगा रहेगा। ये हैबिट फॉर्मेशन हो गया है, उसकी गलती नहीं है, उसको किसी ने समझाया नहीं कि ये मशीन तो यहीं छूटने वाली है और जो ऑपरेटर है वो शायद आगे जाता है। Nobody knows, लेकिन अपने शास्त्र कहते हैं कि ऑपरेटर कंटिन्यूस इट्स जर्नी, उसको नई नई मशीनें मिलती रहती हैं, है ना, लेकिन ये मशीन तो यहीं खत्म हो जाती है। तो इस मशीन को अपनी मनमानी करने देने की जगह, जैसे हॉर्स है, हॉर्स राइडिंग जैसा है, अगर आप घोड़े को काबू में नहीं कर पाओगे तो घोड़ा आपको पटकता रहेगा, और अगर आपने घोड़े को काबू में कर लिया तो आप बढ़िया दौड़ोगे। तो वही है, लेकिन उसके लिए मेहनत लगेगी, ट्रेनिंग लगेगी, पेशेंस लगेगा। हॉर्स राइडिंग भी तो आप एक दिन में नहीं सीख जाते ना, आपने कोई भी चीज तो एक दिन में नहीं सीखी, आप पढ़ लिख कर आज इस बढ़िया पोजीशन पर पहुंचे, इसके लिए तो मेहनत की है ना। कंसंट्रेशन आपका डेफिनेटली औरों से ज्यादा है, इसलिए आप आ पाए। तो यही मन की स्टडी कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, एंड आई विल रिकमेंड स्वामी विवेकानंद टू ऑल ऑफ यू। विवेकानंद से बड़ा इंटेलेक्चुअल आपको मिलेगा नहीं, और उनके यूरोप अमेरिका में दिए लेक्चर सुनिए जो उन्होंने उस ऑडियंस को दिए हैं जो टोटली इंटेलेक्चुअल थी, एंड हाउ ही हैज डेल्ट विद दी सब्जेक्ट्स, आपको आनंद आ जाएगा। और इंग्लिश में है पूरा, और इंग्लिश भी कितनी प्यारी हो सकती है लैंग्वेज, दैट यू विल सी व्हेन यू विल रीड विवेकानंद। और विवेकानंद यूथ आइकॉन है, यूथ आइडियल है, भारत का नेशनल यूथ डे स्वामी जी के नाम पर मनता है, तो एटलीस्ट यूथ शुड रीड, एंड ही इज फॉर यूथ। ओल्डर लोग विवेकानंद को पढ़ ही नहीं सकते, ये एनर्जी है उसमें।